हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, कल का जो क्लास था उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो केमिस्ट्री का आपका है कार्बन और उसके यौगिक, इसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। और आज से दोस्तों हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का ही, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है आपका, और ये है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसको हम लोग दोस्तों समझेंगे। इसमें मेनली आपको पीरियोडिक टेबल से संबंधित ही सारा कुछ पढ़ना है, और दोस्तों कैसे कैसे इसका वर्गीकरण हुआ है, वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज करते हैं वो आखिर कितने प्रयास के बाद जो है सो बना है, क्या क्या प्रोसेस उससे पहले जो है सो हुआ था। और आपको भी पता है कि कुछ भी चीज़ होता है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या होता है, प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं जो है सो कुछ भी चीज़ें बन जाता है। तो ये जो आवर्त सारणी, अभी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग कहते हैं उसको, उसको बनने में क्या क्या कठिनाइयाँ हुआ था, कौन कौन से वैज्ञानिक का मेहनत का फल है ये जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इसी चीज़ को दोस्तों हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग दोस्तों समझते हैं, इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्गीकरण, और उसके बाद दोस्तों हम लोग बेसिक चीज़ जानेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या चीज़ इसमें होने वाला है। और आपको हम बता दें तो इसमें हम आपको 4 वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे, 4 साइंटिस्ट थे, इनके बारे में आपको हम बताएंगे, और इन्होंने जो है सो क्या क्या योगदान दिया था पीरियोडिक टेबल को बनाने में, ये सारा कुछ आपको हम दोस्तों बताने वाले हैं। तो आपको जो है सो पूरा जो है सो देखना है इस वीडियो को, और आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है इसका हम दोस्तों 4 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 4 पार्ट में आपको सारे वीडियोज मिलेंगे। तो ये उसका पहला पार्ट है, आप पहला पार्ट को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग जो है सो सेकेंड पार्ट को देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट को नहीं देखते हैं तो सेकेंड पार्ट आप लोग को जो है सो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। तो दोस्तों सपोज कीजिए, यहाँ पे कोई भी अगर स्कूल में मान लीजिए कि बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे हैं तो उनको क्लास वाइज में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास ऐसे उनको बांट दिया गया है, वर्गीकृत किया गया है कि इतना बच्चा इस क्लास में रहेगा और ये बच्चा इस क्लास में रहेगा। तो ये क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, उनको समूह में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको वर्गीकरण समझ में आया होगा। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे चीज़ हम ले सकते हैं जिससे हमको पता चल सकता है कि वर्गीकरण जो है सो क्या होता है। ये चीज़ आप लोग को समझाने के लिए दोस्तों हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों सपोज करते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है सो 2 का सिक्का है, 1 का सिक्का है, 5 का सिक्का है और 10 का सिक्का है। ठीक है, ये 4 प्रकार का सिक्का है मेरे पास। तो उसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सब मतलब अपने सुविधा के लिए, ठीक है, अपने सुविधा के लिए उसको हम क्या करते हैं, 1 के सिक्का को अलग करके रखते हैं, 2 के सिक्का को अलग करके रखते हैं, 5 के सिक्का को अलग करके रखते हैं और 10 का जो सिक्का है उसको हम लोग अलग अलग करके और उसको एक मतलब कि ग्रुप में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक मान लीजिए कोई भी कागज़ में जैसे मोड़ के ही रखना है, ठीक है, तो 5 का अलग रख देंगे, 2 का अलग रख देंगे, 1 का अलग रख देंगे और 10 का जो है उसको हम लोग अलग अलग जो है सो रख देंगे दोस्तों। तो ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए कि हमको 100 रुपये चाहिए, तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि हम जो है सो क्या करते हैं, 10-10 का 5 सिक्का ले लेते हैं, तो आसानी से 5 निकाल लेंगे। उसके बाद 5-5 का उसमें हम दोस्तों 6 सिक्का ले लिए, और उसके बाद दोस्तों मेरे पास कितना हो गया, 6 सिक्का लेंगे तो 30 हो गया, 50-30-80 हो गया। अब दोस्तों हम लोग सोचेंगे कि 2-2 का हम लोग जो है सो यहाँ पे 2-2 का यहाँ पे 5 सिक्का ले लेते हैं, 10 वो भी हो गया और 1-1 का 10 सिक्का ले लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मतलब बिना काउंट किए ही उसको निकाल लिए सिक्का को, और ऐसे सब मिक्स रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें दोस्तों हमको परेशानी होगा और टाइम भी उसमें ज़्यादा जो है सो लगेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वर्गीकरण करना आवश्यक है किसी भी चीज़ को। तो यही विचार जो है सो सबसे पहले जो है सो जो डोबेराइनर थे, ठीक है, पहला जो भी मतलब कि इसके पहला जो भी साइंटिस्ट थे जिनका दिमाग में ये चीज़ आया था कि जो है सो क्या करना चाहिए हमें, जो भी एलिमेंट्स उस समय तक ज्ञात था, उस समय तक टोटल 30 एलिमेंट्स ही जो है सो ज्ञात हुआ था, तो
उन्होंने सोचा कि 30 एलिमेंट्स के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको जो है सो सजा के रखने के लिए, इसको हम याद रखने के लिए हम लोग इसको जो है सो वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको एक समूह में हम लोग जो है सो बांट सकते हैं, ताकि जो है सो याद करने में क्या हो, आसानी हो, इसको पढ़ने में आसानी हो, इसको समझने में आसानी हो। इसीलिए डॉबेराइनर ने क्या किया था, सबसे पहले जो है सो एक जो है सो इन्हीं ने जो है सो ट्रिक का नियम बनाया था। ट्रिक का नियम क्या है अब हम लोग दोस्तों समझेंगे कि ट्रिक का नियम क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे इस क्लास में। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ट्रिक का नियम क्या था। ठीक है दोस्तों, ट्रिक का नियम बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा और भी जानकारी ले लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस चैप्टर में आप देखिएगा कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो कितना मतलब कि मेहनत करते हैं और ये हार नहीं मानते हैं, और अगर हार मानते साइंटिस्ट तो आज हम लोग जो है सो यहाँ तक जो है सो नहीं पहुँचे होते, इतना ज़्यादा हम लोग को सक्सेस नहीं मिला होता। तो ये लोग जो है सो कभी हार नहीं मानते हैं और दोस्तों ये हमेशा जो है सो मेहनत करते रहते हैं। तो जो ये जो डॉबेराइनर थे, इन्होंने जो भी अपना ट्रिक का नियम दिया था और जैसे इन्होंने अपना जो तत्व एलिमेंट को वर्गीकृत किया था वो जो है सो उतना उपयुक्त नहीं था। तो इसीलिए दोस्तों इसके बाद कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दोबारा से वर्गीकृत किया, जिनका नाम था यहाँ पे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये हम इसके बाद बताएंगे दोस्तों। और न्यूलैंड्स जो थे, ठीक है, न्यूलैंड्स जो थे ये क्या किए थे, ये जो है सो इनका अष्टक नियम को दोस्तों हम जब हम लोग समझेंगे इसका मतलब ट्रिक का नियम समझ लेंगे उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, ये दिए थे। इसके बाद दोस्तों मेंडलीफ, इन्होंने जो है सो आवर्त सारणी बनाया था और इनका आवर्त सारणी भी क्या था, अच्छा था लेकिन उतना ज़्यादा क्या था, सूटेबल नहीं था। तो इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में मोसले का जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है ये आया है दोस्तों। ठीक है, तो मोसले का जो आवर्त सारणी है ये अभी उपयोग में हम लोग लाते हैं और अभी जो है सो वर्तमान समय में सबसे मतलब कि ज़्यादा जो उपयोगी है वो यही है। इसके अलावा पीछे जो भी यहाँ पे बनाया गया था पीरियोडिक टेबल वो हम लोग जो है सो उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है सो उसका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसका अपडेटेड वर्सन है। ठीक है, अपडेटेड जो है सो वर्सन है, तो हम लोग जो है सो जो न्यू वाला है उसी को यूज करते हैं। आप लोग भी अगर मान लीजिए फ़ोन आप लोग चला रहे हैं तो आप लोग जो है सो क्या करते हैं, जो उसका मतलब लेटेस्ट अपडेट होता है आपके मोबाइल में, अगर अपडेट आएगा तो आप उसको अपडेट करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होता है, उस जो है सो अच्छा से आपका फ़ोन काम ही नहीं करेगा। तो अपडेट इसलिए जो दोस्तों आपका आवश्यक भी होता है एक तरह से, क्योंकि जो भी कमियां होता है उसको दूर कर लिया जाता है एक न्यू अपडेट के द्वारा। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये चार साइंटिस्ट हैं, पहला आपका डॉबेराइनर, सेकेंड आपका न्यूलैंड्स, थर्ड है आपका मेंडलीफ और फोर्थ में आ जाते हैं मोसले। तो ये चारों के बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे, इनका क्या क्या सिद्धांत था, क्या क्या नियम था, ये सब चीज़ को हम लोग समझेंगे और किस आधार पे इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण जो है सो किया था, ये सब चीज़ को दोस्तों हम लोग समझेंगे। तो चार क्लास इसका लगेगा दोस्तों, आज पहला क्लास है, पहला क्लास में हम लोग समझ लेते हैं डॉबेराइनर के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो डॉबेराइनर के बारे में हम इनका जो ट्रिक का नियम है उसको समझने से पहले हम एक चीज़ और समझते हैं कि ये डॉबेराइनर थे कौन, इनको हम दोस्तों समझते हैं दोस्तों। तो जो डॉबेराइनर थे दोस्तों ये थे आपका एक मतलब जर्मनी के क्या थे, साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, भारत के नहीं थे, वो कहाँ के थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और इनका जन्म याद रखना है, इनका मृत्यु याद रखना है, हो सकता है अगर पूछ लिया जाए एक नंबर में तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, वैसे तो ये एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है फिर भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। और देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1780 में और इनका जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था 1849 में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था दोस्तों ये था जोहान उल्फगांग, ठीक है, जोहान उल्फगांग डॉबेराइनर, इनका पूरा नाम क्या था, जोहान
उल्फगांग डोबेराइनर और इनको बोला जाता था जेएल डोबेराइनर, शॉर्ट में इनको हम लोग बोलते थे जेएल डोबेराइनर इनको बोला जाता था। और ये जो है सो जर्मनी के म्यूनसबर्ग में जोहान उल्फगांग डोबेराइनर जो थे ये जर्मनी के म्यूनसबर्ग में औषधि विज्ञान की जो है सो पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, औषधि विज्ञान की पढ़ाई ये स्टार्टिंग में कर रहे थे, बाद में इनको जो है सो उसमें मन नहीं लगा तो ये उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, औषधि विज्ञान का पढ़ाई को छोड़ करके फिर उन्होंने जो है सो क्या चीज़ का पढ़ाई किया, फिर उन्होंने जो है सो रसायन शास्त्र का जो है सो अध्ययन किया। याद रखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका उनका जन्म तिथि, उनका कब वो मतलब जो है सो उनका मौत कब हुआ था, ठीक है ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद उनका पूरा नाम भी ध्यान रखना है, जे एल डोबेराइनर यानी कि जोहान उल्फगांग डोबेराइनर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे थे ये पढ़ाई कर रहे थे औषधि विज्ञान का पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनको औषधि विज्ञान के पढ़ाई करने में जो है उसको जो है सो मतलब जैसे एक होता है ना कि उनका मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट ये नहीं था तो उनका जो है सो फिर मन नहीं लगा उसमें तो उसको वो छोड़ चुके थे और अब वो जो है सो रसायन विज्ञान में जो है सो एडमिशन ले लिए थे और रसायन विज्ञान का अध्ययन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इसी क्रम में दोस्तों उन्होंने जो है सो रसायन विज्ञान का अध्ययन किया और फिर उन्होंने दोस्तों उनके मन में आगे चल के जो है सो ये जो ट्रिक का नियम है ये जो है सो बनाने का विचार उनके मन में आया था। दोस्तों एक काम उन्होंने और किया था दोस्तों, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको हम बता देते हैं। ये था आपका कि उन्होंने सबसे पहले जो है सो प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में जो है सो पहचान किया था। प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले पहचान इन्होंने ही किया था। तो ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप लोग जो है सो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे क्योंकि ये चीज़ को हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनका जो ट्रिक का नियम था वो क्या था। दोस्तों डोबेराइनर का ट्रिक का नियम को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो डोबेराइनर थे इन्होंने जो है सो क्या किया था, इन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूह में बांट दिया था। ठीक है, एक आपको हम टेबल दिखा रहे हैं, यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कैसे इन्होंने तीन तीन का टेबल बनाया था। अभी जो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल पूरा मतलब बड़ा सा, और उस समय दोस्तों ये बनाए थे ये कितना मतलब छोटा सा दिख रहा है, आप देख सकते हैं तीन तीन एलिमेंट का ही इन्होंने जो है सो वर्गीकरण यानी कि टोटल अगर बात करें तो 9 एलिमेंट का ही दोस्तों इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो ये दोस्तों ये पूरा आपका जो उस समय का जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया था तो ये बस इतना ही था। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि उस समय जब इन्होंने बना रहे जब जो है सो ये ट्रिक का मतलब नियम जब ये दिए थे एलिमेंट्स को वर्गीकृत जब ये किए थे तो उस समय टोटल जो ज्ञात एलिमेंट था वो कितना था, 30 था। 30 एलिमेंट्स उस समय ज्ञात था और उन्होंने 9 को वर्गीकृत किया था। आगे दोस्तों और हम लोग समझते हैं उनके ट्रिक का जो नियम था वो किस आधार पे था, क्या सोच के जो है सो उन्होंने ऐसे ही तो जो दोस्तों ऐसे ही तो आपका कुछ भी नहीं हो जाता है। कुछ आप अगर ये टेबल बनाए थे तो कुछ उनका नियम होगा, कुछ तो उनको फॉलो करना होगा रूल्स, बिना रूल्स के कुछ भी नहीं होता है। तो उनका जो नियम था वो था कि आप देख सकते हैं जो ऊपर वाले दोनों एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे आपका लिथियम और पोटेशियम है, तो आप लोग अगर लिथियम और पोटेशियम, ठीक है, दोनों का जो एटॉमिक मास है उसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों का अगर दोनों का एटॉमिक मास को ऐड कीजिएगा और उसका एवरेज निकालिएगा तो बीच वाला जो भी एलिमेंट है जैसे यहाँ पे क्या है सोडियम है तो सोडियम का मास के बराबर हो जाएगा, लगभग में हो जाएगा, एक दो का अंतर यहाँ पे मायने नहीं रखेगा। जैसे एक आपको हम यहाँ पे बताते हैं, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका है लिथियम का ही लिए हैं हम, लिथियम है सोडियम है और पोटेशियम है, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है और यहाँ पे सोडियम का 23 है, इसके बाद पोटेशियम का 39 है,
अब आप क्या कीजिए कि जो लिथियम और पोटेशियम है दोनों को ऐड कीजिए और इसका एवरेज निकाल, एवरेज आप लोग जो है सो इसका निकालिए। थोड़ा सा मैथ आपको यहाँ पे लगाना होगा, एवरेज निकालना आसान होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 6.9 को और 39 को, ठीक है। 6.9 और 39 को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आपका आता है 45.9, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दो ही एलिमेंट हम लोग लिए हैं, ऊपर नीचे जो जितना संख्या होता है। एवरेज निकालना अगर आपको आता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आता है 22.95, ठीक है। तो 22.95 ये मेरा आ चुका है। और देखिए सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 22.95 यानी कि लगभग में 23। तो इनका जो भी मतलब निकालने का नियम था वो बिल्कुल सही था और ये अपने जगह पे सही थे। फिर भी दोस्तों इनका जो ट्रिक का नियम था, ठीक है, वो आखिर क्यों जो है सो रिजेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों हम लोग को समझना होगा इसका क्या क्या लिमिटेशन था। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे तब दोस्तों हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे क्लियर कि क्यों जो है सो इनका जो भी ट्रिक का नियम था और ये रिजेक्ट क्यों हो गया था, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों हम लोग कि इसका क्या क्या जो है सो लिमिटेशन था, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऊपर में हम नहीं बोले थे आपको कि टॉपिक आप लिख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग लिखिए डोबेराइनर के ट्रिक के क्या क्या लिमिटेशन है वो आप लोग लिख लीजिए, और जहाँ पे हम ट्रिक का नियम बताए थे वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखिएगा दोस्तों तो आपको हम इसका PDF प्रोवाइड करने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों हम वहाँ पर आपको नहीं बताए थे कि आप लोग यहाँ पर जो है सो दीजिए हेडलाइन, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लिमिटेशन देख रहे हैं डोबेराइनर के ट्रिक के नियम, जो भी ट्रिक का नियम था उसका क्या क्या लिमिटेशन था, इस चीज़ को दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला तो था दोस्तों कि ये जो था डोबेराइनर का जो ट्रिक का नियम था, ये 9 तत्वों के लिए ही, 9 तत्वों तक ही सीमित था। जैसा हमने आपको टेबल भी दिखाया था कि इसमें 9 ही तत्वों को रखा गया था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 इधर था और 3 इधर, यानी कि दोस्तों आपका टोटल 9 था। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि उस समय हमने आपको बताया कि 30 तत्व उस समय ज्ञात कर लिए गए थे जिस समय कि इन्होंने खोज किया था ट्रिक का नियम का, बनाया था जो इन्होंने ट्रिक का नियम, उस समय तक टोटल 23 एलिमेंट्स खोज लिए गए थे। फिर भी इन्होंने 9 तत्वों को ही वर्गीकृत किया था और बाकी जो भी यहाँ पे 21 जो एलिमेंट बच गए हैं उनके लिए, उनका उनके मतलब उसके लिए इनके पास कोई भी विचार नहीं था, उनको इन्होंने वर्गीकृत ही नहीं किया था, उनको इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये क्या था, ये इसी वजह से दोस्तों पहला तो था कि इस वजह से इनका फेल हो गया। दूसरा क्या वजह था दोस्तों, दूसरा वजह यहाँ पे था दोस्तों मेनली फर्स्ट जो सबसे मतलब कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है, यही वजह था उनके रिजेक्ट होने का। उनका जो भी ट्रिक का नियम था वो इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था कि उन्होंने 21 जो एलिमेंट है उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, उसको उन्होंने उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। 9 एलिमेंट्स को ही उन्होंने सिर्फ वर्गीकृत किया और 21 को उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो पहला तो है कि उनका इस वजह से फेल हो गया। और दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दूसरा कारण क्या था इनके, दोस्तों जो दूसरा जो कारण था, दूसरा जो कि जिस कारण से फेल हुआ था इनका ट्रिक का नियम, वो यह था कि दोस्तों जो 3 तत्व था यहाँ पे, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा आपका फास्फोरस और तीसरा आपका था आर्सेनिक, ठीक है, इनके जो रसायन गुणधर्म थे ये क्या है, समान है, ठीक है, इनके रसायन गुणधर्म समान है, इक्वल है दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने जो इसीलिए इन्हें जो है सो एक ही ट्रिक का होना चाहिए, गुणधर्म समान रहेगा तो इनको एक ही ट्रिक का होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, एक ही ट्रिक का होना चाहिए जबकि N परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या था, 14 था यहाँ पे आपका, किसका, नाइट्रोजन का,
और AS का कितना 79.9U तथा यहाँ पे फास्फोरस का 31.0 है। इसके अनुसार यह जो है सो ट्रिक का नियम यहाँ पे लागू नहीं हो रहा था, इस वजह से भी दोस्तों ये वाला चीज़ फेल हो गया है। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा वाला है ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है जितना कि पहला वाला इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप लोग अगर पहला वाला लिख दीजिएगा अच्छे से लिमिटेशन में तो आपका काम हो जाएगा। और ये आपका इसका नहीं पूछेगा, ठीक है, लिमिटेशन किसका पूछेगा आपको हम बता देंगे लास्ट में। अगर पूछता है तो आपको ये चीज़ को लिखना है, और सेकेंड वाला जो हमने आपको बताया उसको अच्छे से हम लिख करके आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दो लिमिटेशन आप लोग लिख दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा, और जहाँ तक हमको लग रहा है तो ये आपका पूछने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, दोस्तों यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है, ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, तो उसको दोस्तों हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका 20 से 21 मिनट हो चुका है, और ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो अच्छा नहीं रहता है क्योंकि आप लोग उसको पूरा देखते नहीं हैं, तो इसीलिए वीडियो को छोटा ही कीजिए क्योंकि इसका जो है सो हम लोग चार पार्ट करेंगे तो पूरा ये समाप्त हो जाएगा। इतना जो है सो आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तो आप लोग कल अवश्य आइएगा। वीडियो को जो है सो आप लोग जो है सो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का जो नीचे बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।